अस्सलामुअलैकुम 7 पॉइंट नेटवर्क के साथ मैं हूँ अस्मा गोल। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के मकामी होटल में तहरीक इंसाफ के 187 मेंबरान सूबे असम्बली मौजूद और एक दूसरे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारों ने सबने इलेक्शन में कामयाबी के मुतालिक मुबारकबाद दी। अपोजिशन अरकिन होटल से बस के जरिए पंजाब असम्बली पहुंच गए। लाहौर शाह महमूद कुरैशी भी पंजाब असम्बली पहुंच गए। मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, लाहौर मीटिंग के बाद बात करूंगा, शाह महमूद कुरैशी। पंजाब में क्या हुकूमत बना पाएंगे आप राणा सनाउल्लाह की धमकी के बाद? शाह साहब काफली को नहीं कहेंगे कि ये मुलाकातों का सिलसिला बंद करें जो जरदारी साहब एक बता दें, क्या साइफर आपसे छुपाया गया था? शबाज भी कहते हैं कि कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा, हमारी मीटिंग हो रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। रिजल्ट कैसे देख रहे हैं वजीर आला का पंजाब? बाद में बात करेंगे। वो जो है उसका हमें सबर मिला है और मिलता रहेगा। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि मैं दिलों को फेर देता हूँ, और जब जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया गया उससे पहले के दिल और थे, और फिर अल्लाह ताला ने दिलों को फेर दिया है, दिल फेर चुके हैं हमारे साथ। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो अल्लाह ताला ने दिलों को फेर दिया है हमारी जानब, तो हमारी तरफ से क्या इस जो है